Hey everyone, welcome or welcome back to Shroom's Eyes. I'm Shivangi Sharma. And today I'm with last chapter of our history of class 6. And the last chapter is building, painting and books. So basically hum yahan pe buildings, paintings aur books jo hamari ancient history mein thi unko hum yahan pe padhne wale hain. उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मारुतसुमी के बारे में. सो मारुतसुमी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि उनके ब्रदर ने उनके लिए एक व्हील चेयर प्रोपेल की है, ठीक है, जिसमें वो काफ़ी डस्टी भी थी, स्टोनी पाथ भी थी और वो कुतुब मीनार के करू एक मतलब एक मेटल रैंप के लिए. सो ये काफ़ी टफ था बट अब वो तैयार है बेसिकली. और वो एक आयरन पिलर के सामने उन्होंने रखी हुई है. सो इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर हर. आयरन पिलर, सो जो आयरन पिलर की यहाँ पे बात हो रही है वो आयरन पिलर है महरौली में, दिल्ली में, जो कि एक काफ़ी काफ़ी रिमार्केबल एग्जाम्पल है हमारी इंडियन क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स के लिए. ये 7.2 मीटर हाई है और इसका वेट 30 टन से भी ज़्यादा है. वो और ये आज से करीब 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था. इसकी डेट हमें इसलिए पता है क्योंकि इस पिलर में एक एक रूलर का नाम मेंशनड है विच इज़ चंद्रा. तो चंद्र गुप्त डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. हमने चैप्टर 9 में गुप्ता डायनेस्टी डिस्कस करी थी, राइट. सो यस. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक अमेजिंग फैक्ट क्या है कि ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ है, इसमें जंग नहीं लगा है, इट इज़ नॉट रस्टेड. ओके, ब्रिक्स और स्टोन्स उस टाइम पे कैसे बना करते थे? देखो जो भी हमारे स्किल और क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, वो काफ़ी हमारी बिल्डिंग को इस तरह बना देते थे कि वो इतने सालों तक सर्वाइव कर देता था. और जैसे कि स्तूपास हो गए, तो स्तूपास का मतलब होता है एक माउंट जहाँ पर हमारी कंट्री में काफ़ी डिफरेंट सेवरल काइंड के स्तूपास होते हैं, लंबे, छोटे, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल. और इनमें एक कॉमन फीचर होता है, ठीक है, इसमें बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स होता है इस चीज इसके सेंटर में, जिसको हर्ट ऑफ द स्तूपा भी बोला जाता है. इसमें बेसिकली रिमेन्स, जो बॉडीली रिमेन्स होते हैं, यानी कि जो अस्थियाँ होती है जो बच जाती हैं, जैसे कि टीथ, बोन्स और एशेस मरने के बाद, ठीक है, उनको रखा जाता है एक बॉक्स में. किन के? डैट विल बी ऑफ बुद्धा और या फिर उनके फॉलोअर्स के रखे जाते थे, ठीक है. उसके अलावा उनमें वो प्रीशियस चीज़ें, वो स्टोन्स और कोइंस भी रखे जाते थे जो वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है. एक बॉक्स, जो बॉक्स है इसको रेलिक कास्केट बोला जाता है, जो कि पहले इट इज़ कवर्ड विद अर्थ, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की और ब्रिक की एक लेयर बना दी जाती है और एक बेक्ड ब्रिक उसके ऊपर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है. उसके अलावा और फिर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ठीक है, और इनको मतलब कभी कभी इनको एक स्टोन स्लैब से भी कार्व कर दिया जाता है. एक पाथ है जिसको बोला जाता है प्रोडिक्शना पाथ, जो कि स्तूपा के अराउंड होता है, ठीक है, स्तूपा के अराउंड होता है, जिसको जो रेलिंग से सराउंडेड होता है, जो एंट्रेंस है और जो मतलब एंट्रेंस से लोग जाते हैं और उस पाथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं स्तूपा के, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, ठीक है. अगर हम अमरावती की बात करें तो ये एक प्लेस है जहाँ पर बहुत ही मैग्निफिशेंट स्तूपा वेंस एग्जिस्टेड, ठीक है. उसमें काफ़ी स्टोन कार्विंग्स थे, काफ़ी और स्तूपा को काफ़ी डेकोरेट भी किया गया था अराउंड 2000 ईयर्स अगो, ठीक है. जो और बिल्डिंग्स थे, होलोड आर्ट ऑफ रॉक मेक आर्टिफिशियल केव्स, कुछ आर्टिफिशियल केव्स बना दी गई थी पत्थरों को वो खोखला करके, काफ़ियों को डेकोरेट भी किया गया, काफ़ी में स्कल्पचर्स रखे गए और काफ़ियों को पेंट भी किया गया. उसके अलावा जो हिंदू टेम्पल्स है, जैसे कि वो हिंदू टेम्पल्स बनाए गए जैसे कि विष्णु के, शिवा के, दुर्गा के, इनको इनको वर्शिप किया जाता था, उनके मंदिर बना दिए जाते थे, ठीक है. और मंदिर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उनको उसको गर्भगृह बोलते हैं. जो गर्भगृह होती है उधर जो चीफ डीटी होती है उनकी इमेज या फिर उनका जो भी स्कल्पचर है वो रखा होता है, वो प्लेस होता है, ठीक है. वहाँ पे जो है वो पुजारी, जो प्रीस्ट है, वो सारी रिलीजियस रिचुअल्स करता है और डिवोटीज
वर्शिप ऑफर करती है डिटी को, ठीक है, जो भी देवता है। वंस एज एट भितार गांव एक एक अ टावर नोन एज शिखरा, एक जो गर्भगृह है उसके टॉप में शिखर रख दिया जाता है, जिस एक टावर जैसा स्ट्रक्चर होता है ताकि मां का निकले कि ये एक सेकर्ड प्लेस है, ठीक है। शिकारास को बिल्ड करना काफ़ी केयर उसको भी काफ़ी केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ज़्यादातर टेम्पल्स में ना एक मंदप्पा नाम की जगह होती है, एक स्पेस होता है, एक हॉल होता है जहाँ पे लोग असेंबल हो सकते थे, ठीक है। अगर हम महाबलीपुरम और अहिहोले की बात करें तो काफ़ी फाइनेस्ट टेम्पल्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक फ़ोटो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। कितना कितने नए तरीके से हम लोग बनाया करते थे जगहों को। जो स्तूपास है और टेम्पल्स है ये बनते कैसे हैं? बेसिकली इनको बनाने, अगर एक स्तूपा एक टेम्पल की बात हो रही है तो इनको बनाने के लिए सेवरल स्टेजेस होते हैं। जो किंग्स और क्वींस होते हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि ये बनेगा, बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव थिंग है, ठीक है। सबसे पहले जो है गुड क्वालिटी स्टोन ढूंढना पड़ता है, उसको क्वायर करना पड़ता है, फिर उसको उस प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ पर बिल्डिंग बननी है, ठीक है। जो रफ ब्लॉक्स है उनको शेप लाया जाता है, उनमें उनको कार्व किया जाता है इंटू पिलर्स पैनल, और जो वॉल्स फ्लोर जो सीलिंग के पैनल्स है उनको भी, ठीक है। फिर जो है उसको राइट पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जैन मोनेस्ट्री है, दिस इज अ जैन मोनेस्ट्री, देखो पत्थरों के अंदर ही इसको काव के बनाया हुआ है। जो किंग्स और क्वींस है वो पैसे भेजते हैं अपनी ट्रेजरी से उन क्राफ्ट पर्सन्स को पे करने के लिए जो इन स्ट्रक्चर्स को बनाता है, ठीक है। उन डिवोटीज के अलावा जो वो डिपॉजिट जो डिवोटीज आते हैं टेम्पल और स्तूपा देखने के लिए वो गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं जिनसे आगे डेकोरेशन होती है बिल्डिंग की, ठीक है। अमंग द अदर्स जो भी डेकोरेशंस और मर्चेंट्स होते जो भी मतलब डेकोरेशन के लिए जो पे करते थे डैट वॉज फार्मर्स गार्लैंड मेकर परफ्यूमर स्मिथ एंड हंड्रेड ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर नोन बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स रेलिंग और वॉल्स, मतलब जो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे उनका पिलर्स में रेलिंग्स में या वॉल्स में उनका नाम लिख दिया जाता था, ठीक है। पेंटिंग्स अगर हम अजंता की बात करें तो अजंता की जो केव्स है आपने सुना होगा अजंता की केव्स, उनकी केव्स के अंदर काफ़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स करी हुई है उनको, मतलब वो सेंचुरी से वो केव्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज ये ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से जो है वो मोनेस्ट्रीज है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, ठीक है, जिनको पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है। केव्स अंदर से काफ़ी डार्क होती है इसीलिए उनमें लाइट टॉर्चेस वाले कलर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। आज से करीब 1500 ईयर्स हो गए हैं फिर भी वो उतनी ही ज़्यादा सुंदर है बिकॉज डैट कलर्स वर मेड बाय प्लांट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। जिन आर्टिस्ट ने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं वो अभी भी अननोन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है हमारे पास, ओके। अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो काफ़ी बेस्ट नोन एपिक्स है जो उस टाइम पे लिखी गई हैं। एपिक्स ग्रैंड और लॉन्ग कंपोजिशन होती है जो हीरोइक मैन और वुमेन होती है उनके बारे में, जिनमें गॉड्स की स्टोरीज भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अगर हम कुछ तमिल एपिक की बात करें तो एक है सिलापत्तिकरम, जिसमें जिनको एक पोइट ने कंपोज किया था जिनका नाम था एलांगो, आज से करीब करीब 1800 ईयर्स अगो। तो ये स्टोरी है एक मर्चेंट की जिनका नाम है कोवालन, जो कि पुहर में रहता है। वो एक कॉटिसियन नेम माधवी के साथ वो उनको प्यार हो जाता है, अपनी वाइफ कन्नगी को नेगलेक्ट करते हैं वो साथ में, ठीक है। वो और उनकी वाइफ कन्नगी पुहर छोड़ देती है और वो मदुरई चले जाते हैं जहाँ पे उनको रॉन्गली एक्यूज किया जाता है कि उन्होंने पांड्या किंग की ज्वेलरी चुराई है, ठीक है। और उसके बाद किंग जो है वो कोवलन की डेथ का सेंटेंस दे देते हैं कि कोवलन को सजाए मौत मिलेगी, ठीक है। कन्नगी जो अभी भी अपने पति से प्यार करती थी वो बहुत उनको बहुत दुख था और बहुत एंगर था अपने अंदर कि इतना इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। और वो मदुरई की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है।
उसके अलावा एक और तमिल एपिक है जिनका नाम है मनी मेकाली, जो कि सतानर ने कंपोज की थी 1400 years अगो, जो कि कोवालन और माधवी की बेटी की स्टोरी डिस्क्राइब करता है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल कंपोजिशन है कि उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो अभी भी रीडिस्कवर्ड है, वो रीडिस्कवर किए जा रहे हैं 100 years अगो। एक इम्पॉर्टेंट राइटर है कालिदास, वो संस्कृत में लिखा करते थे, ठीक है। उनके बारे में हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया, कालिदास के बारे में, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, देखो जो भी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज हैं पुराने पुराने टाइम की, उनको उनको एक उनको पुराणास में लिखा गया है, ठीक है। पुराणास का मतलब बेसिकली मतलब होता है ओल्ड, तो पुराना जो पुराण है उन्होंने उनमें सारे गॉड्स और गॉडेसेस जैसे विष्णु शिवा दुर्गा या पार्वती, उनकी सारी स्टोरी उनकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उनमें वो भी लिखा गया है कि इनको इनको वर्शिप करने का राइट तरीका क्या है, उसके अलावा दुनिया कैसे बनी और बहुत सारे किंग्स के बारे में उसमें लिखा गया है। पुराना सिंपल संस्कृत में लिखा गया है ताकि और हर एक को पुराण सुनने चाहिए पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये जो पुजारी होते थे वो टेम्पल में इनको रिसाइट करते थे और लोग सुनने आया करते थे। दो काफ़ी संस्कृत एपिक्स हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, डैट इज़ महाभारत एंड रामायण। महाभारत और रामायण हम दोनों के बारे में काफ़ी फेमिलियर है। महाभारत एक लड़ाई है जो कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी, कौरवा और पांडवा कजन्स थे, है ना। ये लड़ाई हुई थी कुरुस का जो थ्रोन था उनको पाने के लिए और हस्तिनापुर को पाने के लिए, ठीक है। जो स्टोरी है वो काफ़ी पुरानी है और ये लिखी गई, जब इसको लिखा गया डैट वॉज अराउंड 1500 years अगो। पुराना और महाभारता दोनों को ही व्यास ने कंपाइल किया था, वेद व्यास ने। उसके अलावा जो भगवत गीता है, भगवत गीता महाभारत के अंदर आती है। अंदर रामायणा इज अबाउट रामा द प्रिंस ऑफ कौसला। रामायण किसके ऊपर है? रामायण है कौसला के अंदर, रामा के बारे में, जो कि कौसला के प्रिंस थे, ठीक है, जिनको एक्साइल के लिए भेज दिया गया था। उनकी पत्नी को लंका के किंग नेम रावण, उनके रावण ने उनकी उनकी पत्नी सीता को एबडक्ट कर लिया था, उनको किडनैप कर लिया था। और फिर रामा लॉर्ड राम ने लड़ाई की थी रावण से अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। जब वो जीते फिर वो अयोध्या वापस आए और जो उनकी कैपिटल थी कौसला उन पर उन्होंने राज किया, ठीक है। उनकी विक्ट्री के बाद महाभारता लिखी गई और महाभारत को लिखा था वाल्मीकि ने, ठीक है। वाल्मीकि को कंसीडर किया जाता है एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी पीपल की स्टोरी। जो ऑर्डिनरी पीपल है वो भी स्टोरी सुनाया करते थे, वो भी पोइम्स कंपोज किया करते थे, गाना गाया करते थे, डांस करते थे और काफ़ी प्लेस भी परफॉर्म किया करते थे। उनमें से उनकी स्टोरीज का जो बहुत ही प्रिजर्व्ड कलेक्शन है वो है जटाकास और पंचतंत्रा। जो जटाका की स्टोरीज है वो रेलिंग्स, स्तूपा की जो रेलिंग्स है और जो पेंटिंग्स है अजंता में जो स्टोरी पेंटिंग्स है उधर उनको शो किया गया है, ठीक है। उनमें से एक स्टोरी है मंकी किंग की, ठीक है। वह ये बोलता है कि कई एक बार की बात है, गंगा रिवर के हिमालय पे एक मंकी किंग रहा करता था और उनके 80,000 फॉलोअर्स थे। वो फ्रूट्स खाया करते थे एक स्पेशल मैंगो ट्री से, जिसके मैंगो बहुत ज़्यादा ही मीठे थे। इतने जो एक्सक्विजिट मैंगोस थे वो प्लेन्स में नहीं ग्रो होते थे, ठीक है। एक दिन एक पका हुआ मैंगो नदी में गिर जाता है और वो तैरते तैरते वाराणसी तक पहुंच जाता है, जहां पे उस सिटी का एक किंग नहा रहा होता है नदी में और उसको वो मिल जाता है। जब वो उसको खाता है वो काफ़ी टेस्टी होता है, तो वो फॉरेस्टर्स को बोलते हैं कि वो जो भी किंगडम है मतलब जो भी वो ट्री है वो उनके लिए ढूंढ के लाए, ठीक है। एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयास। तो फिर वहाँ पे जो किंग था और उसके जो कॉर्टियर्स थे उन्होंने सारे मैंगोस को फिल कर लिया। रात को किंग को ये पता चला कि जो मंकीज है वो उन मंकीज से वो फ्रूट खाते हैं, सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको मार देंगे, ठीक है।
जो मंकीज का जो किंग था उनको ये प्लान पता चल गया, सो उन्होंने सोचा, सो उन्होंने क्या किया कि उसी मैंगो ट्री की एक ब्रांच तोड़ी और उससे एक ब्रिज बनाया, एक ब्रिज ट्राई किया, और खुद मतलब खुद उन्होंने उस ब्रिज को नीचे से पकड़ के रखा था, ठीक है। और जब तक उनके वो सारे फॉलोअर्स क्रॉस नहीं करते थे, उन्होंने उसको पकड़ के रखा था एक एंड से। और जब जैसे वो सारे निक जैसे वो सारे उनके फॉलोअर्स क्रॉस कर दिया उन्होंने नदी, तब वो इतने एग्जॉस्ट हो गए, इतने और उनके इन्होंने इतना एफर्ट डाला, इतने एग्जॉस्ट हो गए कि वो मरते कि वो गिर गए और वो मरने की हालत में हो गए। जो ह्यूमन किंग था उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा, उन्होंने बहुत ट्राई किया उस मंकी को रिवाइव करने के लिए, बट वो अनसक्सेसफुल थे। जब वो मंकी किंग मरा, तो किंग ने उनकी उनकी डेथ पर काफ़ी दुख दिखाया और काफ़ी रिस्पेक्ट भी उनको पे की, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टोरी है वो एक पीस ऑफ स्कल्पचर है जो कि सेंट्रल इंडिया में बाहर होता है, उसके स्तूपा में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सीन्स को जब हम बुक में लिखते हैं तो वो कैसे लगते हैं? जैसे काफ़ी टाइम हो गया है, आर्यभट्टा एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियाम, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो डे और नाइट है उसके पीछे का रीज़न है कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सेस पे, ठीक है। उसके अलावा सनराइज करता है और सेट करता है एवरी डे, इसके पीछे भी यही रीज़न है हमारी अर्थ का घूमना। उन्होंने एक्लिप्सिस एक्लिप्सिस होते हैं जो भी ग्रहण लगते हैं, उनकी थ्योरी उनकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी। उसके अलावा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है जिसका आज हमारे पास फॉर्मूला है, वो भी कैलकुलेट करने का तरीका उन्होंने ही बताया था, ठीक है। वाराह मेरा ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने और सेवरल डिस्कवरीज की थी। जीरो जीरो भी एक काफ़ी इधर जीरो एक मैथमेटिकल का नंबर है, और जीरो को भी इन्वेंट करने वाले आर्यभट्टा ही थे। जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, जो कि एंशियंट इंडिया में डेवलप कर दिया गया था। जो दो बहुत फेमस प्रैक्टिशनर है आयुर्वेदा के एंशियंट इंडिया में, वो थे चरका और सुश्रुता, ठीक है। तो उसी में जो चरका संहिता है, वो चरक रिटन बाय चरक की काफ़ी रिमार्केबल बुक है ऑन मेडिसिन, ठीक है। इन हिज ट्रीटीज सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट द एलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। सो यहाँ पर हमारी क्लास 6th की हिस्ट्री खत्म होती है। सो आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।